दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वलों पंजाब के सारे विरोधियों को जिहड़ा सीधा चैलेंज दिता गया है तो दस दिए कि उन्होंने कहा है कि जिहड़ियां 70-75 सालों के किसी भी सरकार ने काम करके दिखाया है तो मैनू दिखाओ तो जिस तो बाद उन्होंने कहा है कि असी हुण चंडीगढ़ के भी अपनी जित हासिल जरूर करांगे तो आने वाली लोग सभा चोणों के असी 13 सीटा जिहड़ियां जरूर जितांगे तो दावा जिहड़ा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वलों किया गया है तो कुछ विरोधियों तो बीजेपी से निशाना भी साध्या गया है तो बिच ही कांग्रेस पार्टी के भी उत्ते लगातार तिखे निशाने साधे ने पूरे मुद्दे लैके सुनते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का की कहना है। दोस्तों आज हम लोग भटिंडा के लिए भगवंत मान साहब पंजाब सरकार 1125 करोड़ रुपए का पैकेज लेके आई है 1125 करोड़ रुपए का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहां पे कोने कोने से भटिंडा के कोने कोने से लोग आए हुए हैं 75 साल 76 साल हो गए देश की आजादी को। आज तक भारत के इतिहास में 75 साल के पंजाब के इतिहास में अकालियों की सरकार आई कांग्रेसियों की सरकार आई अकाली बीजेपी की सरकार आई किसी ने भटिंडा के लिए 1125 करोड़ रुपए का एक साथ पैकेज देने का अनाउंस करा आज तक कभी नहीं करा किसी सरकार ने नहीं करा। जब भी आप सरकार के पास जाते थे कहते थे पैसा नहीं है। और ये पिछले हफ्ते हम गए थे गुरदासपुर गुरदासपुर में 1850 करोड़ रुपए का पैकेज देके आए हैं। उसके पहले गए थे हम होशियारपुर होशियारपुर में 850 करोड़ रुपए का पैकेज देके आए हैं और आज भटिंडा के अंदर 1125 करोड़ रुपए का पैकेज। इसमें सब चीजों का विकास होगा भटिंडा के कोने कोने में विकास होगा। 7 नए बड़े बड़े सरकारी स्कूल बनाए जाएंगे 7 और ये छोटे मोटे स्कूल नहीं होंगे। आप देखना इन स्कूलों को देश के जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं दिल्ली वाले उनको भी पीछे छोड़ देंगे। इतने शानदार सरकारी स्कूल बनाए जाएंगे उसमें सारी शिक्षा मुफ्त होगी आपके बच्चों की। अस्पताल बनाए जाएंगे अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त की जाएंगी शानदार अस्पताल बनाए जाएंगे इस पैसे से। इस पैसे से अभी मेरे को बताया गया 25 मोहल्ला क्लिनिक है भटिंडा में 13 और नए मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे आपके गली गली मोहल्ले मोहल्ले में। उसमें दवाइयां फ्री टेस्ट फ्री ऑपरेशन फ्री सारा इलाज फ्री पूरे कोने कोने के अंदर भटिंडा में मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे। ओल्ड मुल्तानिया ओवरब्रिज यहां पे बताते हैं ट्रैफिक बहुत चलता है ट्रैफिक की बड़ी किल्लत रहती है वहां पे ओवरब्रिज बनाया जाएगा। जनता नगर रेलवे के ऊपर ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। सीवर का काम किया जाएगा सड़कों का काम किया जाएगा पानी का काम किया जाएगा। एक नया बस स्टैंड बनाया जाएगा। भाई साहब इतना काम आज तक किसी ने नहीं किया होगा। मैं पूछना चाहता हूं पूरे पंजाब में किसी के पास चले जाओ उनसे पूछो अकाली दल ने इतने साल राज किया पंजाब के अंदर क्या काम किया एक काम बता दो। मैं आज यहां चैलेंज कर रहा हूं इतने लाखों लोग बैठे हैं आज यहां पे इतनी भारी संख्या में दूर दूर से लोग आए हुए हैं लाखों लोग बैठे हैं एक काम बता दो कांग्रेस वालों ने कोई काम किया हो 75 साल में एक काम बता दो जो अकाली दल ने 75 साल में किया हो एक काम बता दो जो बीजेपी वालों ने 75 साल में किया हो। और भाई साहब सड़क के बाहर निकल जाओ किसी से पूछ लो भगवंत मान साहब ने पिछले 1.5 साल में कहा क्या क्या काम किया इतने काम गिना देंगे लोग इतने काम गिना देंगे। सबसे बड़ा काम किया बिजली मुफ्त कर दी हुई कि नहीं हुई बिजली मुफ्त जिस जिसके बिजली के बिल जीरो आते हैं हाथ खड़े करके बता दो सारे जने जिस जिसके जीरो बिल आते हैं हाथ खड़े करके बता दो सारे जने दोनों हाथ खड़े कर दो सबके बिजली के बिल जीरो आते हैं सबके बिजली के चमत्कार। मेरे को याद है 1.5 साल पहले 2 साल पहले जब हमारी सरकार बनी 8-8 घंटे 10-10 घंटे के बिजली के पावर कट लगते थे
आज 24 घंटे बिजली आती है और बिजली का बिल जीरो आता है। एक पत्रकार ने मेरे से पूछा, इतना पैसा कहां से लाते हो? कैप्टन साहब कहते थे घाटे में चल रही है सरकार, बादल साहब कहते थे घाटे में चल रही है सरकार, ये आम आदमी पार्टी वाले इतना पैसा कहां से लाते हैं? हमारी सरकार बनी, हमने इनके बही खाते देखने चालू करे तो पता चला इतना भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार, इतना 10 रुपए का काम 100 रुपए में करवा रहे थे, हम 10 रुपए का काम 8 रुपए में कराते हैं, आपके 92 रुपए बचाते हैं हम लोग। हमने देखा कई फिजूल खर्ची कर रखी है, एक ही सड़क कागजों में 10 बार बन गई और हकीकत में बनी नहीं, ये सारा पैसा बचा रहे हैं, इतना पैसा बचा रहे हैं। अब पैसे की कमी नहीं होने देंगे पंजाब के लोगों को, पैसे की बिल्कुल कमी नहीं होने देंगे। आप किसी से पूछो क्या काम करा भगवंत मान साहब ने, पूरे पंजाब के अंदर सारे स्कूल ठीक हो रहे हैं, अभी 20,000 स्कूल हैं, सारे स्कूलों के अंदर कहीं रोगन चल रहा है, कहीं पुताई चल रही है, कहीं दीवार बन रही है, कहीं सिक्योरिटी गार्ड लग रहे हैं। आप सबको हम अपना परिवार मानते हैं, पंजाब के 3 करोड़ लोगों को हम अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, जैसे मेरे बच्चे ऐसे ही आपके बच्चे, आपके बच्चों को हम अपना बच्चा मानते हैं, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले ये हमारी जिम्मेदारी है।